लगातार बढ़ती गर्मी के चलते जहां जनमानस बेहाल है, तो वहीं समाज के कुछ युवा इस बढ़ती गर्मी से थोड़ी राहत दिलाने का काम कर रहे हैं और लोगों की सेवा कर रहे हैं। ऐसा ही एक नजारा पागबड़ा के हसनपुर चौराहा स्थित मस्जिद के सामने देखने को मिला, जहां पर जुमे के दिन मोहल्ले के ही नौजवानों द्वारा मीठे शरबत का वितरण किया गया और सभी नौजवानों ने मिलकर नमाजियों के साथ साथ राहगीरों को भी मीठा शरबत पिलाने का काम किया। मस्जिद के पेश इमाम कारी अनवर अली साहब द्वारा कहा गया कि मानवता की सेवा करना अच्छा काम है। अगर हम किसी को मीठा शरबत पिलाते हैं या ठंडा पानी पिलाते हैं तो वह सबसे ज्यादा सवाब का काम होता है। इन दिनों गर्मी ज्यादा है, इस गर्मी से बचने के लिए लोग अपने अपने तरीके से काम कर रहे हैं, लेकिन जो लोग जरूरी काम से इस तेज धूप में निकल रहे हैं वे थोड़ा एहतियात जरूर बरतें। इस गर्मी से बचने के लिए सर पर कपड़ा रखें, धूप से बचकर रहें और समय समय पर पानी पीते रहें। आज हमारे मोहल्ले के नौजवानों ने यह अच्छा काम किया है और मैं इन सभी नौजवानों के लिए दुआ करता हूं और ये अपील भी करता हूं कि जो लोग इस लायक हैं वे भी अपने अपने क्षेत्र में लोगों को पानी पिलाने का काम करें, शरबत पिलाने का काम करें, ताकि आपस में मोहब्बत पैदा हो सके और इंसानियत एक दूसरे के काम आ सके। आज अल्हम्दुलिल्लाह जुमे का मुबारक दिन है और आज अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर नौजवानों ने मिलकर, मैंने बाहर नौजवानों से तो अल्हम्दुलिल्लाह नौजवानों ने मिलकर शरबत का अहतमाम किया। गर्मी की शिद्दत, गर्मी बहुत शिद्दत की है, तो जिसमें शरबत बांटा गया, लोगों ने शरबत पीकर दुआओं से भी नवाजा और माशाल्लाह काफ़ी राहत और सुकून महसूस हुआ उन लोगों को और दुआएँ भी दी। अल्लाह की बारगाह में दुआ की सब कि अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारे इस अमल को कबूल फरमाए और मैं बिलखसूस तरीके से दिल से दुआ करता हूँ कि अल्लाह अपने हबीब के सदके में इस अमल को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और इस अमल की बरकत से अल्लाह तबारक व तआला अपने रहम करम की बारिशें अता फरमाए। माशाल्लाह ये हमारे नौजवान हजरात हैं, उन्होंने मिल करके ये काम किया है। माशाल्लाह रिजवान भाई हैं और भी मोहल्ले के लोग हैं, सब ने तआवुन किया और सब ने मिल करके ये इहतमाम किया। अल्लाह तबारक व तआला अपने पढ़ी के सत्य में इस को अपने बारे में कबूल करना।